मुफ्ती साहब ये बताएं कि वीडियो गेम जो दुकानें खुली होती हैं इसमें बच्चे जो हैं वो 20-30 रुपए या 50 रुपए के टोकन लेता है, वो टोकन उसमें डालते हैं और वो वीडियो गेम जो है वो चलता है, वो अपने जितने राउंड हैं वो अपने चलाता है और फिर उसके बाद वो अब एक घंटा हो या आधा घंटा हो उसके वो पैसे देता है, तो ये कमाई लेना या उसे पैसे लेना इस तरह की कमाई जायज़ है कि नहीं है, इस हवाले से रहनुमाई फरमाएं जी। वीडियो गेम की उजरत यानी ये तो वो चीज़ है कि थोड़ा सा भी शोर रखता हो बंदा तो वो जानेगा कि ये नाजायज़ और हराम काम है, ये यानी जान लहव लईब इस एतबार से है कि इसमें फजूल काम है जिसकी शरीयत वैसे ही ममानअत करती है। फिर इसके बाद इसके अंदर जिस तरह की खुराफात होती हैं, म्यूज़िक का होना, फिर इसके बाद नाजायज़ कामों का इसके अंदर होना, बेहयाई होना और जहन की ख़राबी इसके अंदर किस कदर ज़्यादा है, फिर इसके बाद जो वक्त का इसके अंदर ज़िया है, तो ये दीनी दुनियावी दोनों एतबार से खुराफात का मजमुआ है, तो इस तरह का तो कारोबार जायज़ ही नहीं है और इसके ऊपर जो उजरत मिल रही है वो उजरत भी हराम है। इसकी उजरत लेना भी ये जायज़ नहीं है, चाहे वो आधा घंटा खेले चाहे वो पौना घंटा खेले, इसका कोई लिहाज नहीं है।